जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब से देश में कोविड की पहली लहर आई थी, पहला केस मिला था, तब से लेकर आज तक स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली आशा कार्यकर्ता को दिन भर से भी अधिक समय देकर के कोविड का काम करना पड़ रहा। 24 घंटे से भी अधिक समय होता तो वो पूरा समय इनका कोविड में ही चला जाता, लेकिन क्या उनको समय के प्रति, समय के हिसाब से प्रोत्साहन या मानदेय मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आइए हम जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं के क्या हाल चाल है। सरकार से मेरी यही योजना है कि आशा को उसका हक मिलना चाहिए, और नहीं तो इस चुनाव में हम धरना प्रदर्शन कर सकेंगे। हम काम तो इतना करते हैं पर हमें मिलता कुछ नहीं। हमारा ना तो कोई मानदेय फिक्स है, ना कोई हमारा समय फिक्स है। कोविड में भी ऐसी ड्यूटी लगाई हमारी कि नौ दस दस बज गए रात को, क्या सुबह से जाएंगे, क्या हमारे बच्चों को खवाएंगे। हमारी आशा और पूरे मध्य प्रदेश की और हमारी सभी बहनों की ओर से, और अब धरना प्रदर्शन जोरदार होगा, जो अभी तक नहीं हुआ, अब देखने लायक होगा। सरकार आप आगे आइए और अब हम नहीं डरेंगे। हम डरेंगे, हमारा अधिकार मांग रहे हैं, हम डरेंगे थोड़ा ना, हमारा अधिकार मांग रहे हैं हम, और हमें वो मांग नहीं है। अब कोरोना काल में जो भी हमारी आशा बहनों ने बिना मास्क लगाए काम किया, हर बच्चों की धात्री माता, महिला, प्रेग्नेंट सबका सपोर्ट करती है। कभी किसी रात 24 घंटा उनकी ड्यूटी रहती है, कभी उन्हें आज तक ये नहीं सोचा कि हमारा सपोर्ट किससे मिले। पर कम से कम सरकारी हमारी नहीं रहेगी, सरकार हमारा सपोर्ट नहीं करेगी, हम सरकार का सपोर्ट आने वाले समय में कभी नहीं करेंगे। चाहे प्रधानमंत्री सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, वर्तमान भाजपा सरकार भी सुन लीजिए, किसी भी स्तर में, चाहे वो किसी भी स्थिति में हम जो भी हैं, सामने हैं, क्लियर कहेंगे, सामने कहेंगे, आपके जैसे दोगला कपट ये बिल्कुल हम नहीं करेंगे। आप कहते क्या हो, करते क्या हो, और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम आपकी बातों पे ध्यान दे रहे थे, पर आपने हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया, पर अब हमारा आंदोलन देखने लायक। हमारे साथ नीचे दिए हुए इस नंबर पर कॉल करके इन सभी लोगों की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करें। हम लक्ष्मी कौरव, भिंड मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।